जैसे जैसे विधानसभा के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे सभी पार्टी प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार अभियान भी तेज हो रहा है। इसी कड़ी में बल्लभगढ़ विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी मूलचंद शर्मा ने सब्जी मंडी में पैदल घूमकर अपना चुनाव प्रचार किया और सब्जी विक्रेताओं से मिलकर वोट डालने की अपील की। इस दौरान मूलचंद शर्मा हलवाई की दुकान पर पहुंचे, जहां हलवाई को कचौरियां तलते देख उनसे भी रहा नहीं गया और उन्होंने हलवाई के साथ कचौरियां तलनी शुरू कर दी। मूलचंद शर्मा का कहना था कि उन्हें देखकर उनको अपने अतीत की याद आ गई, क्योंकि मूलचंद शर्मा ने भी अपनी कमाई की शुरुआत दूध और हलवाई के कारोबार से ही शुरू की थी। मेरा समय से कि मेरी शुरुआत, मेरे जीवन की व्यापार की शुरुआत आप हलवाई के काम से शुरुआत हुई, और जिस शुरुआत में मुझे आपने जिस समय काम की मैंने शुरुआत करी थी कि नौकरी मिली नहीं, कारोबार में आए और मुझे वो दिन याद आए कि अपने समय की बात याद आई, और जिसके कारण मैं विधायक बना, मंत्री बना और संगठन बहुत लंबा काम करा। मुझे कचौरी वाला मुझे याद आया, कचौरी वाले जब पुरानी यादों में और किस तरह मेहनत करते हैं कि अपने किस तरह मेहनत करते हैं, और ये देखिए वो व्यक्ति ये पहचान करता है पक चुकी है भी कच्ची है। जिस आदमी पक्के और कच्चे का ज्ञान हो जाता है वो जीवन में कहीं मार भी नहीं खाता। तो चुनाव भी कैसी तरह पकेगा? चुनाव कच्चा पक्का होता है, क्यों ये मान चलिए पक्का होना और कच्चा होने में फर्क पड़ता है। आदमी जब चुनाव के रण में रहता है जानकारी मिल जाती है, अब ये व्यक्ति पूरी तरह पार्टी के लिए मैनिफेस्टो किया है, ये पूरे प्रदेश के लिए, जिस तरह महिलाओं के लिए अपने दीदी लाडली योजना के 2100 रुपये पर महिला को देने का काम करेंगे, ये बहुत बड़ी है। दूसरा क्या है, स्कूटरी की बात कही, महिलाओं के लोन की बात कही, महिला सशक्तिकरण की, किसानों के लिए भी शायद इसमें कुछ रखा है, बच्चों के लिए भी, प्लस टू के शिक्षा के साथ साथ भी। जो मैनिफेस्टो है ये इतना बढ़िया है कि आज तक मैंने कल्पना नहीं की जिस तरह का मैनिफेस्टो। मूलचंद शर्मा ने कहा कि हलवाई को ही पता होता है और ज्ञान होता है कि कचौरी कच्ची है या पक्की, और जिस जीवन में कच्चे और पक्के का फर्क मालूम हो जाता है वो कभी मार नहीं खाता। चुनाव में भी इसी तरह कच्चा और पक्का देखा जाता है कि जब प्रत्याशी फील्ड में जाता है तो उसे पता चल जाता है कि चुनाव कितना पक्का है। इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी मूलचंद शर्मा ने मंडी एसोसिएशन, सभी दुकानदार और सभी फड़ी विक्रेताओं द्वारा किए गए स्वागत का आभार व्यक्त किया। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।